हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप सभी का राधे राधे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। बहुत ही अच्छे ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेके आए हैं, नाश्ते की रेसिपी लेके आए हैं, जो बच्चों से लेके बड़ों तक सभी लोग पसंद करते हैं। और आज है ये मेरे गार्डन का व्यू, जो बड़ा ही प्यारा लग रहा है बारिश के मौसम में। सब हरे भरे, बहुत ही अच्छे ग्रीन ग्रीन सा। और यहाँ पे रोजेस खिले हुए हैं बड़े सुंदर सुंदर से, आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ पे सेटेड हैं, कुछ येलो हैं, कुछ रेड हैं, ऐसे में सारे खिले हुए हैं फ्लावर। बड़ा ही सुंदर लग रहा है, तो आप लोग देख पा रहे हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मन को मुग्ध कर देने वाला। सारे तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी और अच्छा सा ये है तिकोना, बड़ा ही सुंदर फ्लावर है ये, बहुत ही प्यारा ये खिलता है, बहुत भर भर के गमला। तो आप लोग लगाना चाहते हैं तो इसको लगा लीजिए, और हर मौसम में ये फ्लावर देता है, बड़ा अच्छा है। तो नाश्ते के पहले हम अपने फ्लावर की वीडियो शेयर किए हैं। ये है बहुत ही सुंदर, ये भी खिल रहा है इस समय, मौसम इसका भी है इसी फ्लावर का। तो यहाँ पे है सावनी, सावनी भी खिला हुआ है, तो सारे फ्लावर बड़े ही अच्छे लग रहे हैं। और चलते हैं नाश्ते की तरफ, देखते हैं क्या बनाना है। तो यहाँ पे हम बनाए हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे बेसन लिया है। एक कप बेसन में लाल मिर्ची पाउडर एक चम्मच डाले हैं, साबुत जीरा एक चम्मच, और गरम मसाला एक चम्मच, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और सभी को डाल के इसका घोल बना के तैयार कर लेंगे पानी डाल के। इसमें हम बस नॉर्मल पानी डाल के इसका घोल तैयार कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा तीखा मिर्ची डाले हैं, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्ची डाले हैं कलर के लिए। तो सबका एक घोल बना लेंगे, बहुत पतला सा नहीं बनाना है, बस ऐसे ही थोड़ा थिक घोल बनाना है। और रख देंगे पहले घोल बना के, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, ताकि जब भी हम इसमें कुछ ऐसा कुछ बनाएं तो ये अच्छे से फूल फूल के बढ़िया से बने। तो इस तरह से हम इसको रख देंगे। और आलू को हमने बॉयल कर रखा है, यहाँ आलू हमारे बॉयल हो गए हैं। इसमें हम हरी मिर्ची कट करेंगे। हरी मिर्ची कट करने के बाद इसमें हम और भी मसाले ऐड करेंगे। ये बड़ा ही टेस्टी सा नाश्ता बनके तैयार हो जाता है झटपट से। जब भी मन करे, भूख लगे, बस झट से आलू बॉयल रहे और ये बनके तैयार हो जाए। चाट मसाला डाले हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाले हैं, हाफ चम्मच चाट मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और यहाँ पे कुछ पनीर है, उसको मैश कर लेंगे, इसको भी हम इसी में ऐड करेंगे। तो पहले आलू को हम मैश कर लेते हैं, और पनीर को भी हमने मैश कर लिया है। तो इसको थोड़ा सा गर्म है, ठंडा ठंडा पे करिएगा, हम तो गर्म गर्म पे ही जल्दी जल्दी करने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं गर्म है, बस थोड़ा गर्म है। तो गर्म पे ही आलू को जब मैश करते हैं ना, तो अच्छे से मैश हो जाते हैं, वरना फिर टुकड़े रह जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको मैश कर लेंगे। और आलू का जो भी बनता है पोटैटो, बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो इसमें पनीर डालने पर और भी टेस्ट इसका बढ़ जाता है। तो पनीर को भी इसमें डाल के हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे ना भुना जीरा और मिर्ची का पाउडर हमने डाला है आलू में, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। भुना जीरा भी डाल दिए हैं। तो यहाँ पे ब्रेड लिए हैं, 8 से 9 यहाँ पे ब्रेड लिए हैं, जितना भी ज़रूरत हो लेके इस तरह से हम बीच से कट लगाते हुए 4 टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। और इस तरह से सभी को हम कर लेंगे, और ढेर सारा नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा झटपट से। जब भी मेहमान आए या ऐसे भी खाने का मन करे, तो आप झटपट से ये बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस पर हम आलू को प्रेस करेंगे थोड़ा थोड़ा लेके, और यहाँ पे दूसरा ब्रेड लगा के इस तरह से रेडी कर लेंगे। ये मिनी ब्रेड पकौड़ा बनके तैयार हो जाएगा, और बड़ा ही अच्छा लगता है देखने में, खाने में बड़ा ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से हम सारे को तैयार कर लेंगे, सभी को रेडी कर लेंगे इस तरह से, सभी को प्रेस करते हुए इस तरह से आलूओं को। और आप चाहें तो किसी भी शेप में रेडी कर सकते हैं इसको, हमने यहाँ पे इसी तरह से रेडी किया है। तो सारे रेडी हो गए हैं, आप देख पा रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। अब इसको बेसन में डिप करेंगे और कढ़ाई में डालेंगे सीधे, जो तल के और बाहर आ जाएगा। तो चलिए तलते हैं। तो यहाँ पर तेल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, और मीडियम हीट पर हम इसमें डालेंगे, इस तरह से लपेटेंगे आराम आराम से, क्योंकि ब्रेड है बहुत जल्दी गल जाता है। पहले नहीं डालेंगे बेसन में, जब डालना होगा कढ़ाई में उसके बाद ही डालेंगे। बेसन में लपेट लपेट के और डालते जाएंगे इस तरह से, सारे को
और मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। ये डीप फ्राई करना है, सेलो फ्राई बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से उलट पलट के हम इसको फ्राई कर लेंगे और बड़ा ही टेस्टी सा ये बनके रेडी होता है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको फ्राई कर करके बना लिए हैं, और हमारे गार्डन का व्यू आपको कैसा लगता है बताइएगा। अभी तो न्यू प्लांट नहीं आ रहे हैं, आएंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ज़रूर। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कलर कितना ही प्यारा आया है, बड़ा ही अच्छा सा टेस्टी सा बन के रेडी भी हुआ था। तो आइए सर्व करते हैं और खाते हैं, खिलाते हैं, मस्त रहते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा। और हमारी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हम इसको सर्व कर दिए हैं, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और देखिए इस तरह से हम रेडी हो गया है। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।